जय माता दी, राधे राधे। आइए जानते हैं नवरात्रि के तीसरे दिन तीसरी देवी माँ चंद्रघंटा की महिमा, पूजन विधि एवं कथा। नव दुर्गा के नौ स्वरूपों में तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा देवी की पूजा होती है। यह शक्ति माता की शिवदूती स्वरूप है। चंद्रघंटा देवी के मस्तक पर घंटे के आकार का अर्धचंद्र है, जिससे इनका मुख चंद्र के समान प्रकाशमान होता रहता है। माता चंद्रघंटा ने असुरों के साथ युद्ध में घंटे की टंकार से ही उनका नाश कर दिया था। सिंह पर सवार माँ दुर्गा अपने इस तीसरे स्वरूप में 10 हाथों से शोभायमान होती हैं। इनके हाथ खड़क, बाण, अस्त्र शस्त्र से विभूषित हैं। इस दिन चंद्रघंटा देवी के इस मंत्र का जाप करना चाहिए। माँ की विधि विधान से पूजा अर्चना करनी चाहिए। सबसे पहले माँ का साज श्रृंगार करना चाहिए। इसके बाद जल, पुष्प, दुर्वा, अक्षत, गुलाब, लौंग, कपूर से माँ की पूजा करनी चाहिए। इसके अलावा सुबह शाम आरती करनी चाहिए और माँ को खीर, हलवा या फिर किसी मिठाई से भोग लगाना चाहिए। मान्यता है कि नवरात्र में माता रानी भक्तों द्वारा की जाने वाली पूजा प्रत्यक्ष रूप से स्वीकार करती हैं। माँ की आराधना से भक्तों को विशेष कृपा मिलती है। तीसरे दिन चंद्रघंटा देवी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। देवी माँ के इस स्वरूप के दर्शन मात्र से ही भक्तों को वीरता और निर्भयता का एहसास होने लगता है। इसके साथ ही कल्याणकारी देवी जीवन में कष्टों से मुक्ति दिलाती हैं। जीवन में खुशियों का आगमन होता है। माँ दुर्गा की तीसरी शक्ति है चंद्रघंटा। नवरात्रि में तीसरे दिन इसी देवी की पूजा आराधना की जाती है। देवी का यह स्वरूप परम शांतिदायक और कल्याणकारी है। इसीलिए कहा जाता है कि हमें निरंतर उनके पवित्र विग्रह को ध्यान में रखकर साधना करना चाहिए। उनका ध्यान हमारे इहलोक और परलोक दोनों के लिए कल्याणकारी और सदगति देने वाला है। इस देवी के मस्तक पर घंटे के आकार का आधा चंद्र है, इसीलिए इस देवी को चंद्रघंटा कहा गया है। इनके शरीर का रंग सोने के समान बहुत चमकीला है। इस देवी के 10 हाथ हैं, वे खड़ग और अन्य अस्त्र शस्त्र से विभूषित है। सिंह पर सवार इस देवी की मुद्रा युद्ध के लिए उद्धत रहने की है। इनके घंटे से भयानक ध्वनि से अत्याचारी दानव, दैत्य और राक्षस कांपते रहते हैं। नवरात्रि में तीसरे दिन इसी देवी की पूजा का महत्व है। इस देवी की कृपा से साधक को अलौकिक वस्तुओं के दर्शन होते हैं, दिव्य सुगंधियों का अनुभव होता है और कई तरह की ध्वनियां सुनाई देने लगती हैं। इन क्षणों में साधक को बहुत सावधान रहना चाहिए। इस देवी की आराधना से साधक में वीरता और निर्भयता के साथ ही सौम्यता और विनम्रता का विकास होता है। इसलिए हमें चाहिए कि मन, वचन और कर्म के साथ ही काया को विहित विधि विधान के अनुसार परिशुद्ध पवित्र करके चंद्रघंटा के शरणागत होकर उनकी उपासना आराधना करना चाहिए। इससे सारे कष्टों से मुक्त होकर सहज ही परम पद के अधिकारी बन सकते हैं। यह देवी कल्याणकारी है। पौराणिक कथा के अनुसार माँ दुर्गा ने माँ चंद्रघंटा का रूप तब धारण किया था जब दैत्यों का आतंक स्वर्ग पर बढ़ने लगा था। महिषासुर का आतंक और भयंकर युद्ध
देवताओं से चल रहा था, क्योंकि महिषासुर देवराज इंद्र का सिंहासन प्राप्त करना चाहता था और स्वर्ग लोक पर अपना आधिपत्य जमाना चाहता है। जब देवताओं को इसका पता चला तो सभी परेशान हो गए और भगवान ब्रह्मा, विष्णु और महेश के पास पहुंचे। त्रिदेवों ने देवताओं की बात सुनी और क्रोध प्रकट किया। कहा जाता है इसी क्रोध से त्रिदेवों के मुख से एक ऊर्जा निकली और उसी ऊर्जा से एक देवी अवतरित हुई जिनका नाम माँ चंद्रघंटा है। उस देवी को भगवान शंकर ने अपना त्रिशूल, विष्णु जी ने अपना चक्र, इंद्र ने अपना घंटा, सूर्य ने अपना तेज और तलवार और सिंह प्रदान किया। इसके बाद माँ चंद्रघंटा ने महिषासुर का वध कर दिया और देवताओं को स्वर्ग लोक की रक्षा की। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल पर सेट कर लें ताकि आगे आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।